आप सभी को जय मसीह। आशा करती हूँ आप सभी ठीक हैं और प्रार्थना में लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में सीख रहे हैं और उसको अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, भजन संहिता 31 उसका 24। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, तुम सब हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। आज हम जिस चरित्र के बारे में देखेंगे वो है परमेश्वर एक जीवित आशा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो समय कैसा होगा, कितना अद्भुत होगा, जब यीशु मसीह फिर वापस आएंगे, जब मौत खुद नाश हो जाएगी और मृत लोग जी उठेंगे। जिस स्वर्ग और पृथ्वी को हम जानते हैं वो नष्ट हो जाएगी और एक नई स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाई जाएगी। परमेश्वर ने हम सबको अभिशाप से मुक्त किया है। उन्होंने आपको और मुझे उस अभिशाप में छोड़ा नहीं। उन्होंने हमें अनंत काल की आशा दी है, एक जीवित आशा दी है, और हमें उस राज्य का बेटा और बेटी बनाया है जो अनंत काल की है। जैसा हम परमेश्वर के उस पराक्रमी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम इस वक्त क्या कर सकते हैं? इस वक्त हम अपने पूरे दिल और मन से परमेश्वर की प्रतीक्षा करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपना सब कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं को मांगने में अपना सब कुछ लगा देंगे। परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दी है। हम अगर मर भी गए तो भी हम परमेश्वर में हमेशा जीवित रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित आशा दी है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि अगर हमारा ये मिट्टी का शरीर खत्म भी हो गया तो भी परमेश्वर हम आपके साथ अनंत काल की उस आशा को थामे हुए आपके साथ होंगे। आप परमेश्वर हमें हमेशा के लिए खत्म नहीं करते प्रभु, आप हमें हमेशा के लिए एक आशा देते हैं क्योंकि आप एक जीवित आशा है। पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जब कोरोना महामारी का समय है, जब रोना, दांत पीसना, विलाप करना, कुड़कुड़ाना हर जगह से हमें ये सुनने को मिलता है प्रभु, इस वक्त मैं आपसे विनती, आपसे प्रार्थना करने चाहती हूँ प्रभु। हम में से जितने भी लोग परमेश्वर इस समय निराश हैं, आशाहीन हैं, यह हुआ आप अपनी जीवित आशा उनको उनके दिलों में दीजिए प्रभु। आप परमेश्वर उनको जीवित आशा बनके उनके इस जीवन को चलाइए प्रभु। अगर हमारा ये शरीर खत्म भी हो गया तो भी आप परमेश्वर हमें जीवित करेंगे उस अनंत काल के समय में। हम जीवित हैं परमेश्वर उस अनंत काल के समय में, क्योंकि आपने परमेश्वर ये कहा है और आपका वचन पूरा होगा। हम परमेश्वर आपकी इस जीवित आशा पे विश्वास रखते हैं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। आमीन।